हेलो दोस्तों, ताइवान बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी लॉन्च करने जा रही है गोगोरो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और कंपनी ने यह ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि गोगोरो इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 नवंबर 2022 को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। वैसे गोगोरो वही कंपनी है जिसके साथ हीरो मोटोकॉर्प ने टाई अप किया था कुछ महीने पहले। यह ताइवानीज ब्रांड है जो कि बैटरी स्वैपिंग प्लेटफॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग करती थी स्टार्टिंग में। और उसके साथ ही इस कंपनी ने स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग किया था और उनको लॉन्च किया था ताइवान में, और उनका अच्छा खासा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा था। और फाइनली अब यह कंपनी गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाली है 3 नवंबर 2022 को इंडियन मार्केट में। और यह अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें यूनिक डिजाइन में देखने को मिल रहा है जो कि काफी सही लुक दे रहा है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की पावर ट्रेन स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो चुकी है। इसमें हमें 3 किलोवाट की हब माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर ऑफर की जाएगी। और यह इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 85 किलोमीटर का ट्रैवल करेगी और उसके साथ ही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड भी प्रोवाइड करेगी जो कि डेली लाइफ स्टाइल के लिए इनफ है। और गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइसिंग तो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, पर जहां तक उम्मीद यह की जा रही है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 75,000 से 80,000 रुपए के प्राइस रेंज में लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।